सो फ्लूइड मोशन में बेटा, फ्लूइड मोशन में आपको सिर्फ ये वाले पोर्शन को पढ़ना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है ना। बट ये बिल्कुल थ्योरी थ्योरी है, मतलब थ्योरी थ्योरी मतलब समझ गए कि नहीं। हाँ, यस सर। जैसे यहाँ पे देखो, थ्योरी थ्योरी पे एक है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कॉन्स्टेंट ओवर द टाइम। मतलब कि किसी पॉइंट पे फ्लूइड के पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अगर टाइम के साथ में कांस्टेंट रहती है तो ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेडी फ्लो बोलते हैं। और जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि प्रेशर हो गया एंड वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड हो गया, वो टाइम के साथ में कांस्टेंट बने रहते हैं, नहीं बदलते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो सच टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। एंड एक और टर्म है यहाँ पे, फ्लो लाइन। इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड एज शोन इन फिगर 2.26। ये जो सभी लाइन दिख रही है वहां पे, ये फ्लो लाइन है। और ये एक फ्लो ट्यूब यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, फ्लो लाइन का मतलब समझ गए? हेलो। यस सर। एंड स्ट्रीम लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन? इट इज अ कर्व हूज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट दैट पॉइंट। स्ट्रीम लाइन्स एंड फ्लो लाइन्स आर आइडेंटिकल फॉर स्टेडी फ्लो। स्ट्रीम लाइन्स और जो फ्लो लाइन्स होती हैं वो स्टेडी फ्लो के लिए एक ही बात होती है। समझ गए ना? ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो एक ही बात है। फिर यहाँ पे फ्लो ट्यूब मतलब एक इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस है बाउंडेड बाय द इमेजिनरी वॉल। इस टाइप के जो ट्यूब यहाँ पे बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लो ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पे फ्लूइड इन अ एडजेसेंट फ्लो ट्यूब कैन नॉट मिक्स। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रीम लाइन पे होता है ना। फिर लैमिनर फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो। इट इज द स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर एज शोन इन फिगर। एंड स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी अज्यूम्ड द लैमिनर फ्लो। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक स्ट्रीम लाइन फ्लो का डायग्राम दिया है और उसी के नीचे कौन सा डायग्राम बना? यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो का डायग्राम बना है। तो जैसे जब रिवर वगैरह में बाढ़ आती ना, बाढ़ मतलब समझ गए, फ्लडेड रिवर, तो उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे जो फ्लो होता है वो कैसा रहता है? टर्बुलेंट होता है। और ऊपर जो बना हुआ वो कौन सा है? स्ट्रीम लाइन। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बस ये रहेंगे कि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आते भी हैं तो। ठीक है ना, इसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं कुछ ऐसा है कि इसके लिए न्यूमेरिकल रहेगा। तो आपको इसकी थ्योरी एक बार जरूर देखना पूरा, स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो पे जो डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें यस सर, दिख रहा सर। इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आने वाले बेटा, सच। ये जो सर फ्लो वो रेट, रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह वहां से है सर, वो न्यूमेरिकल हाँ बता रहा वो हूँ ना बेटा, आइडेंटिटी। वो बता रहा हूँ ना, पहले यहाँ तो पढ़ लो पहले एक बार। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है? द स्मूथ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो और लैमिनर फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। टर्बुलेंट में क्या होता है? इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो है ना ऑफ अ फ्लूइड व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। मतलब फ्लो का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे अभी तुम, अभी जैसे हम लोग कहीं बैठे मान लो, और बिल्कुल धीरे धीरे हवा चल रही है सराउंडिंग में, तो ऐसा फ्लो कैसा रहता है? स्ट्रीम लाइन फ्लो रहता है हवा का। और अगर अचानक तूफान उठने लगे या फिर एकदम बहुत तेज तेज हवा चलने लगे तो फिर वो कैसा फ्लो होता है फ्लूइड का? टर्बुलेंट फ्लो होता है। मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आप किसी भी चीज को प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई इस पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना फ्लूइड का। तो ऐसा जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? फिर इन अ यस स्ट्रीम सर। लाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। टर्बुलेंट फ्लो पे ये कांस्टेंट नहीं होती। टू स्ट्रीम लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। इन अ टर्बुलेंट फ्लो एट सम पॉइंट द फ्लूइड मे हैव रोटेशनल मोशन व्हिच गिव राइज टू एडीज। एडीज मतलब बेटा जो घबर बनती हैं,
वो देखा है कि नहीं भंवर कैसे बनती है सर? वर्लपूल के सर? हाँ वर्लपूल लाइक भंवर जैसे, लेकिन ये ना जहाँ पे रिवर में जैसे नदी में बाढ़ देखे हो कभी क्या? ब्रिज रिज के ऊपर से नदी में बाढ़ देखे, उसमें देखना वर्लपूल्स बनती हैं, भंवर बनती हैं, देखा है कि नहीं देखा? यस सर। स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन बी एज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेन लेयर इन अ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑल द स्ट्रीमलाइन विल बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द ट्यूब फ्लो ट्यूब लॉसेस इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल मूव इन रैंडम डायरेक्शन। तो टर्बुलेंट फ्लो पे क्या होता है, जो फ्लो है वो ऑर्डर लॉस हो जाता है वहां पे और रैंडम डायरेक्शन पे फ्लो होता है। ठीक है, समझ गए? यस सर। वन मिनट। हाँ ये इस पे देखो, यहाँ पे जो फ्लूइड का जो मोशन दिख रहा है ना, ये किस टाइप का फ्लो है यहाँ पे जिसपे ये बोट चल रही है? स्टेडी फ्लो है कि टर्बुलेंट टाइप का? ये टर्बुलेंट। हाँ टर्बुलेंट टाइप का मोशन दिख रहा है। मैं सोच रहा था कुछ एनिमेशन उसका दिखा दूं तुम लोगों को, बट ये इसको देखना, ये कैसा है यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो आ रहा वहां पर? ये कौन सा फ्लो है वहां पे फ्लूइड का? टर्बुलेंट फ्लो है। कैसा फ्लो है ये? स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट? ये भी टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट है सर। वीडियो क्लियर नहीं है इसको। ये इस तरह का जो फ्लो है, ये कैसा आ रहा पानी नल से? ये वाला किस तरह का? ये स्ट्रीमलाइन की तरह? ये स्ट्रीमलाइन है सर। स्ट्रीमलाइन से ये स्ट्रीमलाइन है ना ये?
ये इसको देखना, ये देखना, ये इससे जो पानी निकल रहा है ये देखना, ये कैसा है ये वाला स्ट्रीमलाइन है सर, ये स्ट्रीमलाइन है। ये वैसे उसके लिए इससे बाहर जो आ रहा है ये भी स्ट्रीमलाइन है। यहाँ से स्ट्रीम लाइन आ रहा है लेकिन गिरने के बाद कैसा हो रहा है, ये टर्बुलेंट है ना, ऊपर से तो थोड़ा स्ट्रीम लाइन है लेकिन जैसे उसकी स्पीड बढ़ी यहाँ पे टर्बुलेंसी क्रिएट हो गई, उसमें टर्बुलेंट फ्लो होने लगा था। यहाँ पे देखो ये मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वहां पे ये टर्बुलेंट फ्लो है ना, समझ गए? यस सर, पूरा समझ गए सर। ओके, ठीक है। तो ये बेटा बस यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो और इसके लिए स्टेडी फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसमें बस आपको ये छोटी छोटी बस बातें ध्यान देना। यहाँ पे स्टेडी फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसमें जैसे ये एक फ्लो लाइन है, ये दूसरी फ्लो लाइन है, ये तीसरी फ्लो लाइन है, और ये अगर हमने यहाँ पे ट्यूब इस तरह से समझ लिए तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग कंसीडर कर लें, जैसे यहां पर के पॉइंट को अगर हम ले लें तो इस पॉइंट पर टाइम के साथ में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट रहेगा और इस पॉइंट पे प्रेशर भी कैसा रहेगा, टाइम के साथ में कांस्टेंट रहेगा। सो एट पॉइंट पी पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट एट विथ टाइम, है ना, तो विथ टाइम के साथ में कांस्टेंट रहेगा, या फिर जो प्रेशर है यहाँ पे, now this is pressure is also constant with time, ये कौन सा टर्म है यहाँ पे, pressure है, pressure is also constant with time, तो इस टाइप का जो फ्लो होता है उस फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेडी फ्लो बोलते हैं। और ये एक ट्यूब बन गया यहाँ पे, तो इट इज अ ट्यूब ऑफ फ्लो या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये सभी एक ही नाम है यहाँ पे इसके। और ये एक फ्लो लाइन कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, किसमें इंटरसेक्ट नहीं करती, स्ट्रीम लाइन फ्लो पे इंटरसेक्ट नहीं करती। एंड इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये इस टाइप के है ना, ये ऐसा इंटरसेक्ट हो जाएगा, मतलब कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है यहाँ पे फ्लो का। तो ऐसा जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, समझ गया बेटा। एक्चुअल में इसका जो यूज है या फ्लूइड मैकेनिक्स का जो यूज है, खासकर फ्लूइड मोशन का, वो नॉर्मली हमको समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप एरोप्लेन या फिर जब हाई स्पीड व्हीकल या फिर इनके लिए जो वर्ड यूज करती है, भाई इसका सेफ एरोडायनामिक सेफ है, तो इनके लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे देखो एरोप्लेन को किसमें उड़ाना आसान होता है, स्ट्रीम लाइन, जब हवा बिल्कुल शांत है ना, एटमॉस्फेयर बिल्कुल काम है, तो एरोप्लेन उड़ाना आसान होता है, हेलीकॉप्टर उड़ाना आसान होता है। लेकिन अगर बहुत तेजी से वेदरिंग कंडीशन अगर बहुत खराब है ना, बहुत तेज तेज हवाएं चल रही है, टर्बुलेंट फ्लो है वहां पे फ्लूइड का, तो फिर एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर उड़ाना आसान होता है क्या वहां पे, होता है क्या? सर, अभी फ्लाइट भी कैंसिल हो जाती है सर। वो इसीलिए होती है, फिर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, फिर हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाते हैं उसमें, उसका रीजन यही है क्योंकि एक फ्लो निश्चित ही नहीं है उसपे, ठीक है ना, तो कंट्रोल करना फिर बड़ा मुश्किल होता है टर्बुलेंट फ्लो जब होता फ्लूइड का, ठीक है। अब इसको अफेक्ट करने वाले रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हम रीजन पे यहाँ पे नहीं जाएंगे कि किसके कारण ये टर्बुलेंट फ्लो है या फिर स्टेडी फ्लो किसके कारण, देयर आर सो मेनी रीजंस। तो यहाँ पे हमारे इस सिलेबस में जो पढ़ने का कि बस हाँ स्ट्रीम लाइन क्या है, टर्बुलेंट क्या है, तो एक सर्टेन वेलोसिटी के बियॉन्ड
टर्बुलेंट फ्लो होता है और उसके नीचे कौन सा फ्लो रहता है, स्टेडी फ्लो रहता है या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। और इसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर एक फैक्टर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना, ठीक है। हेलो, ले लिए क्या सर? लैमिनर फ्लो मतलब ये हो गया कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर, इस तरह का जो फ्लो रहता है उसको फिर हम लोग लैमिनर फ्लो बोल देते हैं। जैसे लैमिनर फ्लो के अगर डायग्राम आप देखेंगे तो ये एक इस तरह से बनेंगे बेटा, लैमिनर फ्लो के डायग्राम। जैसे यहाँ पे मान लो ये हमने ट्यूब कंसिडर किया है यहाँ पे एक, तो जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है ट्यूब के बीच में जो लेयर रहती उसकी स्पीड सबसे ज्यादा रहती, और जैसे जैसे हम लोग ट्यूब के पास में आते जाते हैं, सरफेस के पास में आते जाते हैं, स्पीड क्या होते जाती, डिक्रीज होते जाती है, और वो लेयर जो बिल्कुल ट्यूब के साथ में चिपक के चलती है उसकी स्पीड क्या होती है, वहां पे जीरो होती है ना। अब मान लो यहाँ पे फ्लूइड की जो स्पीड है वो सपोज वी है एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ठीक है, इट इज डायमीटर ऑफ ट्यूब एंड इसकी जो विस्कोसिटी है वो नीटा है एंड रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मैं यहाँ पे बेटा एक टर्म डिफाइन करता हूँ, दैट इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर, इट इज डिनोटेड बाय आर ई, एंड रेनॉल्ड नंबर का जो फार्मूला, ये जो फार्मूला है ना रेनॉल्ड नंबर का, इससे आप नेचर ऑफ फ्लो के बारे में बता सकते हैं कि जो नेचर है फ्लो का वो कैसा है, ठीक है, नेचर ऑफ फ्लो किस टाइप का है, ठीक है, नेचर ऑफ फ्लो किस टाइप का है। एंड इट इज इक्वल्स टू वी इंटू रो इंटू डी डिवाइडेड बाय नीटा, सारे सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है, नीटा इज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। देखो ये टर्म है रेनॉल्ड नंबर और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, बस एक नंबर है। यहाँ पे वी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ फ्लो, दिस वी इज स्पीड ऑफ फ्लो, ये है स्पीड ऑफ फ्लो यहाँ पर, ठीक है। अब रेनॉल्ड नंबर कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा फ्लो स्ट्रीम लाइन है या कौन सा फ्लो टर्बुलेंट है या फिर कौन सा फ्लो क्रिटिकल है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना इस पे, कौन सा फ्लो स्ट्रीम लाइन है कौन सा फ्लो क्रिटिकल है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट, इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1000 देन कौन सा फ्लो होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। दूसरा, इफ रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 2000 देन डेफिनेटली इट इज टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। और मान लो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है एंड 1000 से ज्यादा है देन फ्लो इज क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब समझ गए, स्ट्रीम लाइन भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है, तो रिमेंबर दीज पैरामीटर्स। अब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस पैरामीटर से आपको रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है, फिर आपको डिसाइड करना है कि भाई ये फ्लो स्ट्रीम लाइन है या टर्बुलेंट फ्लो है, समझ गया बेटा? ओके, स्क्रीन शॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो, ले लिए? यस सर। देन नेक्स्ट है फिर यहाँ पे विस्कोसिटी, एक टर्म है, व्हाट इज विस्कोसिटी बताओ जरा, व्हाट इज विस्कोसिटी? द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड। देखो जो फ्लूइड होता है ना वो भी डिफरेंट लेयर के फॉर्म पे चलता है, है ना। नाउ विस्कोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो जो डिफरेंट जो फ्लूइड होता है इट इज फ्लो इन द फॉर्म ऑफ
लेयर, डिफरेंट लेयर, और हर एक लेयर एक दूसरी लेयर पे क्या लगाता है, अपोजिंग फोर्स लगाता है, उसके मोशन का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, या इसमें इंटरनल फ्रिक्शंस होती हैं डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स में। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन अभी बता रहा हूं मैं, बट पहले विस्कोसिटी है क्या। जैसे आप ये समझ लो कि पानी में और शहद में, पानी और हनी में किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इट इज समथिंग डिफरेंट देन गाढ़ापन जो बोलते हैं ना, ठीक है मतलब, बट इट इज समथिंग डिफरेंट। समझ गए कि नहीं? हेलो सर। ठीक है, समथिंग डिफरेंट। So look at here some images for this। ये देखो यहाँ पे विस्कोसिटी के लिए, जैसे ऑयल के लिए, या फिर यहाँ पे so many images you will see here। दिख रहा है ना विस्कोसिटी के लिए, ये है ना, फिर ये yes sir। देखो ये हनी के लिए, ये विस्कोसिटी मेजर करने का डिवाइस है एक, ये देख सकते हो इसे, है ना। अब ये दो डायग्राम बने हैं, इसमें किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, किसकी कम है, बताओ जरा दो डायग्राम पे। हनी की ज्यादा है सर, राइट साइड वाले की। लेफ्ट साइड में जो लिक्विड है ब्लू कलर की, उसकी विस्कोसिटी कैसी यहाँ पे कम है, वो जल्दी फ्लो हो जाता है ना। समझ गए कि नहीं? एंड अब इसके अंदर के लिए देखो, विस्कोसिटी फॉर लिक्विड स्टिकी थिक विस्कस एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे देखो भाई, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है आपस में, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ज्यादा थिक है, ज्यादा स्टिकी है, ज्यादा चिपचिपा है, तो विस्कोसिटी ज्यादा है। इसमें देखो पानी के लिए, पानी के लिए जो मॉलिकुलर बॉन्ड है वो थोड़े लूज है। उसके बाद मिल्क के लिए है ना, पानी की विस्कोसिटी सबसे कम, मिल्क की उससे ज्यादा, ऑयल की उससे भी ज्यादा। फिर है कौन सा, नाइट सीरप या लाइट सीरप, जो हम लोग सर्दी खांसी वाले जो सीरप पीते, उसकी विस्कोसिटी है ना उससे ज्यादा हो गई ऑयल से। उसके बाद हैवी सिरप की विस्कोसिटी और ज्यादा होती है। फिर चॉकलेट सिरप की विस्कोसिटी देखो और भी ज्यादा है, इसमें हनी वगैरह को कंपेयर नहीं किया, बट ये अभी समझ गए, ये इंटरनल बात हो गई उसकी, मॉलिकुलर लेवल पे ये डायग्राम दिखा रहा है यहाँ पे। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गया कि नहीं? क्या समझ गए सर? हाँ, अभी देख यहाँ पे एक टेस्ट कर रहा है, वो तीन लिक्विड की विस्कोसिटी देख रहा है। तो सबसे कम विस्कोसिटी किसकी, मिडिल वाले की, सबसे लेफ्ट वन की, या फिर जो बीच वाला दिख रहा है एक? सर लास्ट बट वन सर। हाँ, वो सेकंड सर, सेकंड वाले की, थर्ड वाले की दिख रही है वहाँ पे, वो तो फ्लो हो रहा है ना। ठीक है, उसमें जज नहीं कर पा रहा। अब इसमें देख यहाँ पे ऑयल विस्कोसिटी, तीन ऑयल की विस्कोसिटी को टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ऊपर से एक बॉल डाल के देख रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी है, जिसमें बॉल सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा? हाँ, जिसमें सबसे ऊपर है, देख जिसमें 50 लिखा हुआ है ऑयल विस्कोसिटी, है ना, एक रिलेटिव टर्म दिया हुआ है, फिर एक 40 वाला है, फिर एक 30 वाला, एक 20 वाला, बराबर है। आपने ऊपर से बॉल ड्रॉप किया तो सबसे जल्दी नीचे किसमें आ रहा है, जो फर्स्ट वाला है, सबसे लास्ट में किसमें आ रहा है, वो रेडिश कलर का जो दिख रहा है ना। समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ पे सम मोर डायग्राम, ठीक है, रिगार्डिंग द विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी इज द इंटरनल फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर ऑफ अ लिक्विड विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी। ठीक है, समझ गए? यस सर। विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बता सकते हो क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, जनरली डिक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, किसकी, लिक्विड की, और एयर की विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, यस सर। हाँ, एयर की विस्कोसिटी बढ़ती है, लेकिन लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है सर, एयर की क्यों बढ़ती है बताओ ना सर। इसका बेटा, एयर की टेम्परेचर बढ़ने के साथ विस्कोसिटी क्यों बढ़ती है वो बताओ। एयर की विस्कोसिटी इसलिए बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि
जो पार्टिकल है उनका, एयर के पार्टिकल का रैंडम मोशन फास्ट हो जाता है आपस में, समझ गए ना, तो वो ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करने लगते हैं, समझ गया? जैसे मतलब फ्रिक्शन बढ़ जाता उनमें इसकी वजह से। हाँ, इसी की वजह से, मतलब रैंडम मोशन बढ़ जाता है ना एयर, एयर के पार्टिकल का रैंडम मोशन बढ़ता है तो वो ज्यादा फोर्स ऑफर करने लगते हैं। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, बॉन्ड थोड़े और ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती। वैसे भी लिक्विड की विस्कोसिटी एयर के कंप्रेशन में मच मच लार्जर होती है, ठीक है, समझ गए? कंप्रेशन में विस्कोसिटी मच मच लार्जर होती लिक्विड की, लेकिन टेम्परेचर अगर राइज करते तो लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करती है और एयर की क्या होती है, बढ़ती है। तो विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ये पहली बात। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, एयर भी आ जाएगा और लिक्विड भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग डिफरेंट लेयर के लिए देखें, यहाँ पे सपोज ये एक लेयर है बेटा यहाँ पे, ठीक है, फिर ये एक और लेयर मैंने ले लिया, ऐसे हम दो तीन लेयर ले लेते हैं यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर। जैसे ये एक और लेयर मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, मान लो इस लेयर की वेलोसिटी भी है, इसकी वेलोसिटी भी प्लस डी भी है, इसकी वेलोसिटी भी माइनस डी भी है। यहां से मान लो ग्राउंड से ये वाली हाइट इसकी वाई है और ये वाली जो हाइट है ये डी वाई, और ऐसे ये नीचे इस लेयर के लिए भी कितना होगा, डी वाई होगा, ठीक है। एंड दिस इज द एरिया हियर, ये लेयर का जो एरिया है ना वो ए है यहाँ पे। तो जो फोर्सेस लग रहे हैं, देखो ये वाली ऊपर वाली लेयर जो नीचे वाली लेयर है उस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगी, पीछे की तरफ। इस पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, आगे की तरफ। इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, इस पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, पीछे की तरफ। तो जो मिडिल मोस्ट लेयर है ना उसमें ऊपर वाली लेयर के कारण इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और ये जो बीच वाली लेयर है उसमें नीचे वाली लेयर के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा लग रहा है इस पे आगे। मान लो ये वी वेलोसिटी से जा रही है, तो ये वी वेलोसिटी से जा रही है तो ये अपनी नीचे वाली लेयर को क्या करेगी, अपने साथ खींचने की कोशिश करेगी, समझ गए कि नहीं। और ऊपर वाली लेयर क्या कर रही है, यहाँ पे वी वेलोसिटी से जा रही है, इस पे पीछे, और इस पे कैसा लगेगा, यहाँ पे आगे की तरफ लगेगा, इस पे यहाँ पे पीछे लगेगा, और इस पे क्या लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। मतलब बीच वाली लेयर अपनी नीचे वाली लेयर को अपने साथ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर वाली लेयर के मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, समझ गए कि नहीं। ऊपर वाली को बोलती कि तू रुक जा, और नीचे वाली को बोलती चल बहन मेरे साथ चल आगे, समझ गए कि नहीं। तो फ्रिक्शन है वो कुछ इस तरह का लगता है यहाँ पे। तो विस्कोसिटी इसके बराबर यहाँ पे अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, विस्कोसिटी इज टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको बोला जाता बेटा विस्कोसिटी यहाँ पे। तो इट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर शियर स्ट्रेस। तो ये जो फोर्सेस यहाँ पे आ रहे हैं ना, इंटरनल फोर्सेस, पूरा नेट अपन ने लिख दिया यहाँ पे। एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डी वी अपॉन डी वाई, ये जो फैक्टर है बेटा यहाँ पे, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन डी वी अपॉन डी वाई, इसको बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी, ठीक है। तो अब यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट क्या हो गई यहाँ पे, पास्कल। वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो इट इज पास्कल सेकेंड, ये कौन सी यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट है, पास्कल सेकेंड, समझ गए ना। विस्कोसिटी की एसआई यूनिट कौन सी हो गई, पास्कल सेकेंड। शियर स्ट्रेस पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विस्कोसिटी बोलते हैं, समझ गए। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। देन पेज नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। पेज नंबर 3 पे
इसी पे है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ क्या है बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करता है तो फ्लूइड उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। लेकिन ये स्फेरिकल बॉडी के लिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ मान लो ये कोई स्फेरिकल बॉडी है और ये स्फेरिकल बॉडी नीचे की तरफ मूव हो रही विद वेलोसिटी भी, तो इसमें एक रेसिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। इस रेसिस्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, विस्कस फोर्स बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? तो विस्कस फोर्स किसके अपोजिट होता है, वेलोसिटी के अपोजिट होता है। ठीक है, विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट होता है और ये किसके बराबर यहाँ पे, और स्फेरिकल बॉडी के लिए जो विस्कस फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, विस्कस फोर्स इसका फार्मूला होता है 6πr η V। ध्यान देना कौन सा टर्म क्या है, r इज रेडियस ऑफ बॉडी, स्फेरिकल बॉडी की रेडियस, नीटा इज विस्कोसिटी और वी इज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, 6π यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, अब अगर मान लो कोई बॉल यहाँ पे ये नीचे गिर रही है, कोई बॉल ये, ठीक है, किसी फ्लूइड में ये नीचे गिर रही है, जिसमें और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे देखो एक और फोर्स इस पे आएगा ऊपर की तरफ, दैट इज बायंड फोर्स, और यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा बेटा mg। तो नाउ जब ये जो फोर्सेस है, इफ यहाँ पे विस्कस फोर्स प्लस बायंड फोर्स अगर mg के बराबर हो गए तो एक्सीलरेशन विल बी जीरो एंड इन दिस केस वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, और इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। दिस वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे जो रेन ड्रॉप है ना, जैसे जो रेन ड्रॉप है जब ऊपर से गिरती तो शुरुआत में उनकी स्पीड बढ़ते जाती, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नीचे चलने के बाद उनकी जो स्पीड है रेन ड्रॉप की वो कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्यों कांस्टेंट हो जाती है, अगर कांस्टेंट नहीं होता ना तो इतने तेज लगती हमको उसकी चोट, रेन ड्रॉप की बहुत तेज चोट लगती है यार, उतनी हाइट से गिर रही है। ठीक है, लेकिन कुछ हाइट गिरने के बाद में उनकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, फिर उससे ज्यादा नहीं बढ़ती। कब हो जाती कांस्टेंट, जब रेन ड्रॉप पे विस्कस फोर्स बायंड फोर्स को कौन बैलेंस कर दे, उसका वेट उसको बैलेंस कर देता है, तो फिर उनकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है और उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसकी इक्वेशंस कैसे बनेगी यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी के, देखो ये हो जाएगा 6πr η VT। वीटी लिख दिया क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी आ गई यहाँ पे। बायंड फोर्स किसके बराबर आएगा बेटा, इस पे बायंड फोर्स रहेगा वॉल्यूम मतलब 4/3 πr³ डेंसिटी ऑफ लिक्विड (g) एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ना, सॉरी, एंड ये क्या है, वेट ऑफ बॉल है यहाँ पे, तो वेट ऑफ बॉल हो जाएगा 4/3 πr³ डेंसिटी ऑफ सॉलिड (g). इसको रीअरेंज कर दे हम लोग तो टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन हम लोग निकाल पाएंगे। टर्मिनल वेलोसिटी विल बी गिवन बाय, यहाँ पे मैं 4/3 πr³ को कॉमन निकाल दूं, जी को कॉमन निकाल दूं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय 6πr η। इसमें हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से कैंसिल होके आर स्क्वायर बचेगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 एंड द आंसर विल बी 2/9। ठीक है, 2/9 × r² × g × डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड होल डिवाइड, लिक्विड मतलब फ्लूइड की डेंसिटी है ये, एंड डिवाइडेड बाय नीटा। तो यहाँ पे रो एस का मतलब क्या है बेटा, इट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल, और रो एल का मतलब क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहाँ पे। ठीक है, एंड नीटा क्या है यहाँ पे, विस्कोसिटी सिंबल अपने यूजर नेम पे। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया यहाँ पे। सो देयरफॉर टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी बड़ी रेडियस रहेगी टर्मिनल वेलोसिटी उस तरह से आएगी यहाँ पे। ठीक है, और जब ये बॉल लिक्विड में ऊपर से नीचे गिरती है तो टाइम के साथ में अगर हम
ग्राफ प्लॉट करें इसका, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो टाइम के साथ में बेटा इसका जो ग्राफ बनता है यहाँ पे, ठीक है, मैं दोनों फॉर्मूले को लिख देता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी विल बी गिवन बाय 2/9 आर स्क्वायर इनटू जी इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मीटर। ये टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला है। और अगर आप इसका टाइम के साथ में ग्राफ प्लॉट करेंगे स्पीड का, तो ये ग्राफ इट इज लुकिंग लाइक दैट। कुछ देर बाद टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लेता है। और इवन आप अगर हाइट के साथ में भी ये ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है, यहाँ पे हाइट ले ले रहा हूं मैं और यहाँ पे स्पीड ले ले रहा हूं, तब भी हाइट बढ़ते जाएगी लेकिन स्पीड कांस्टेंट बनी रहती। तो हाइट या टाइम के साथ में जो ग्राफ बनेंगे इनके, वो इस तरह के बनेंगे यहाँ पे, समझ गए ना। तो ये दो फॉर्मूले इम्पोर्टेंट, एक 6πr नीटा भी। क्या बेटा वो सेकंड ग्राफ में आपने बोला था हाइट बढ़ेंगी, हाइट कैसे बढ़ेंगी सर, हाइट तो डिक्रीज हो रही। हाइट मतलब ऊपर से आने वाली जो हाइट, ऊपर से हाइट क्या बोलेंगे उसको, यहाँ पे डिस्टेंस बोल सकते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता भी जाएगा ना, ऊपर से ये ऊपर से जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे नीचे आने का, ये ऊपर से हाइट ले ले चल ऐसा, समझ गए, ऊपर से नीचे या डिस्टेंस ले ले। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता भी जाएगा ना, तब भी वेलोसिटी क्या बनी रहेगी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट बनी रहेगी, समझ गए। या टाइम के साथ में भी वेलोसिटी कैसी बनी रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट बनी रहेगी। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो ये टॉपिक ऐसा बहुत वो नहीं है इस पे, लेकिन क्वेश्चन एक आध हो सकता है यहाँ से भी, है ना, लेकिन ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन हल्का फुल्का, समझ गया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। और आप लोग ना